अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो मैंने बनाई थी भिंडी, जो कि ऐसे ही जैसे सिंपल मैं बनाती हूँ मसालों के साथ, वैसे मैंने बनाई थी। और एक साइड पर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। और इसके बाद में मुझे लंच भी पैक करना था अपने बेटे का और हस्बैंड का, और उसके बाद में नाश्ता भी मुझे रेडी करना था। तो ये देखें, मैं रोटियां भी बना रही हूँ। और भिंडियाँ मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बेटे की फेवरेट हैं ये सब्ज़ी, उसको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी से कभी बोर नहीं होता है मेरा बेटा, उसको इतनी ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड के पास अभी टाइम था जाने के लिए साइट पर, तो वो रिपोर्टिंग करने लगे हैं। जितने भी प्लांट्स हमारे थे वो ज़्यादा, उनकी रूट्स बढ़ गई थी ये देखें, तो उन्हें अच्छे से क्लीन करके वो दोबारा से वो प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, देखें। और जब से उन्होंने रिपोर्टिंग की है प्लांट्स में, तब से बहुत और भी ज़्यादा अच्छे ग्रो करने लगे हैं प्लांट्स सारे, और काफ़ी ग्रीन हो गए हैं, हरे भरे और काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं। और इसमें काफ़ी टाइम लग गया था इन्हें, और मॉर्निंग का टाइम था और बारिश आने लगी थी। बेटा मेरा जा चुका था स्कूल के लिए, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी और वो 7 बजे चला जाता है स्कूल के लिए, उसकी वैन आ जाती है 7 बजे। तो ये देखें, एक प्लांट हो गया है रेडी। और ये देखें, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने इसको विंडो पर ही इस तरह से हैंग कर दिया है। जितने भी प्लांट्स को वो रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं, उन सभी को वो हैंग करते जा रहे हैं ये देखें, ताकि इनमें बारिश का पानी अच्छे से आ जाए। और पौधे प्लांट्स वैसे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर बारिश का पानी उन्हें लगता है, उनके अंदर जाता है, तो बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। और अभी मैं यहाँ कुछ देर के लिए खड़ी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बारिश, इस तरह से देखना बारिश को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश आने लगी थी सुबह में ये देखें, बट थोड़ी देर के लिए ही बारिश हुई थी, फिर उसके बाद में बारिश बंद हो गई थी। ये देखें, काफ़ी बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी देर तक बारिश होगी, बट जल्दी से बंद हो गई थी बारिश, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई थी। विंडो से भी बारिश को देखते हैं इस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो मैं यहीं पर खड़ी हो जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है या फिर बारिश आ रही होती है, तो मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हूँ कुछ देर के लिए। और ये देखें, मनी प्लांट जो है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है हमारी। और ये देखें, नाश्ता मैंने रेडी करके रख दिया था और दूध को कप में मैंने अभी डाला है। और आजकल हम शुगर अवॉइड कर रहे हैं, शक्कर हम यूज़ कर रहे हैं, शक्कर का हम यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और बट अगर हम चीनी को 1 चम्मच डाल रहे हैं तो शक्कर को हमें 2 चम्मच ऐड करना होता है, थोड़ा जब मीठा होता है वो, बट हेल्दी है तो हम शक्कर ही ले रहे हैं आजकल। और अभी हम करने लगे थे नाश्ता और ये शाम का टाइम हो गया था, इस बीच में नहीं वीडियो में कोई भी शूट कर पाई हूँ। और ये देखें, मैं बनाने लगी थी एक फेमस डिश है बिहार की, जो कि चंपारण चिकन या मटन जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी की हांडी में बनाई जाती है। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था इतना, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, तो अभी मैं इसको कुकर में बनाने लगी थी। मैंने चंपारण चिकन बनाया है हांडी में, हांडी मेरे पास है, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी वो बनता है, लेकिन चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है, जल्दी गल जाता है, तो उसमें इतना वक्त नहीं लगता। ये मटन था मेरे पास, तो मटन में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए मैंने आज कुकर में बनाने की सोची है, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट आता है आज। तो सभी चीज़ें इसमें चॉप करके डालती हैं, मैं शेयर करना आपके साथ भूल गई और मैं नहीं
दिखा पाई और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो चॉपिंग वगैरह इसमें ज़्यादा होती है, तो चॉपिंग मेरे हस्बैंड ने करके दी थी मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी चॉपिंग करते हैं, बहुत जल्दी चॉपिंग करते हैं चॉपिंग बोर्ड से। और ये देखें, अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और खड़े मसाले ही इसमें डलते हैं, कोई भी पिसा हुआ मसाला इसमें नहीं डलता है, सिर्फ हल्दी पाउडर और नमक इसमें डाला जाता है, हल्दी कलर के लिए डाला जाता है। अगर हम हल्दी नहीं ऐड करेंगे तो कलर इसका अच्छा नहीं आएगा। और बाकी सारे खड़े मसाले इसमें डाले जाते हैं। और ये देखें, ये काफ़ी टेस्टी बना था कुकर में भी, ये देखें काफ़ी इसका कलर अच्छा आया था, और जैसे बिल्कुल हांडी में बनाया जाता है बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आया था। बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस था, क्योंकि हांडी में काफ़ी टाइम लग जाता है बनाते हुए, इसीलिए थोड़ा सा तो फ़र्क होगा टेस्ट में, बस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और ये काफ़ी अच्छा बना था, ये देखें, ये देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और अब मैं इसे सर्व करने लगी हूँ, आउट करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। आप बताएं किस किस को भूख लगने लगी है। और किसी दिन आपको इंशाल्लाह चिकन आहुना हांडी ज़रूर बताऊंगी मैं, जो कि हांडी में ही ये बनता है, सेम प्रोसेस होता है बिल्कुल। उसमें चिकन हमको ऐड करना होता है और पानी आधा कप मिनिमम डलता है, उसमें ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं होता है, और वो उसी में अच्छे से कुक हो जाती है। पहले चूल्हे वगैरह होते थे मिट्टी के, उस पर बनाया जाता था, बट अभी चूल्हे वगैरह नहीं हैं, तो गैस की फ्लेम को लो करके भी हम आसानी से बना सकते हैं मिट्टी की हांडी में। और ये देखें इसका लुक, और ये काफ़ी टेस्टी, और ये खाने में भी काफ़ी लजीज था। और एक बार ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी प्रॉपर आपके साथ मैं शेयर करूँगी, और हांडी में इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी चिकन रेसिपी इसकी। और आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके भी चेक कर सकते हैं, चंपारण मटन रेसिपी, या फिर बिहार की फेमस चंपारण मटन या चिकन रेसिपी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ इजीली आपको मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और बिल्कुल भी इसे खाने के बाद में स्पाइसेस ज़्यादा इसमें वैसे नहीं डाले जाते हैं, खड़े मसाले ही डलते हैं इसमें सारे, इसीलिए इसको खाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती है पेट में, और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। और जितना भी इसमें टाइम लगता है चॉपिंग वगैरह करने में ही टाइम लगता है, बस उसके बाद में सभी चीज़ों को मिक्स करके, और कुकर में या फिर हांडी में जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें सभी चीज़ों को कवर करके रख देना होता है, और इजीली ये पक जाती है। और काफ़ी अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब हो गया था नेक्स्ट डे, उसके बाद में मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स पैक करने लगी थी, तो ये मेरे पास रखा हुआ है खजूर का डब्बा, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये खजूर, और बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को भी, तो घर में रखने चाहिए खजूर और खाने भी चाहिए। के बाद में मैंने अपने बेटे को ब्रेड जैम दिया था, जो कि मैं कभी कभी उसको दे देती हूँ। और तो जी, ये हो गया था शाम का टाइम, और मैं बनाने लगी थी खाना, तो ये मैंने बनाई थी छोले की चाट, जो कि हम रमज़ानों में बनाते हैं मोस्टली, उस तरह की मैंने छोले की ये चाट बनाई थी, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बेटे को तो उनसे भी ज़्यादा पसंद है, तो वो रोटी से भी इसको खा लेता है इजीली, तो उसे इतनी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई थी, लाल मिर्च की और टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी, और उसके बाद में ये चावल बनाए थे मैंने, चने की दाल के चावल। और उसके बाद में ये कुछ फ्रूट्स थे, जिसमें कि मेरी फेवरेट नाशपाती भी थी, और इनको मैंने वॉश करके रखा है एक बास्केट में। तो चलिए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आज का ब्लॉग आपको मेरा ये पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।